वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सिक्खी वैबसाइट पेज और ग्रुप वालों सारे स्रोतियों का स्वागत है। अज की साखी है भाई मती दास जी बारे। दिल्ली विच गुरद्वारा सीसगंज के सामने वड्डे फुहारे वाली थां एक सिख शहीद के खून नाल रंगी होने का माण करती है। वह महान शहीद ने भाई मती दास जी। ये महान शहीद जो कि दुख सुख तो उपर उठे ते आनंद अवस्था के मालक सी, उन्हां नूं मुगल सरकार ने काजियां दे हुकम नाल शहीद किया सी। हजारां लोकां दी हाजरी विच आरा सीस ते रख के इउं फेरिया गया जिवें लक्कड़ नूं दो फाड़ किया जांदा है। भाई साहब ने अडोल अवस्था विच उस समय तक बिरती नूं टिकाई रख्या जद तक कि आरे ने दो फाड़ नहीं कर दिता ते आत्मा रूपी भौर उडारी नहीं मार गया। दुनिया का इतिहास इस तरह के बेमिसाल शहीद पैदा नहीं कर सकिया। भाई मती दास जी का जन्म पिंड करियाला जो चकवाल तो 6 मील दूर कटास राज वाली सड़क ते जिला जेहलम विच है। जिला जेहलम हुण पछमी पंजाब पाकिस्तान विच है। उत्थे भाई परागा दे ग्रह विखे होया। भाई परागा जी बहुत दलेर ते पहलवान सन। पिंड विच ही नहीं बल्कि पूरे इलाके विच इन्हां दे मुकाबले दा कोई सूरबीर नहीं सी। जदों गुरु हरगोबिंद जी ने बकायदा फौज रखण दा ऐलान कीता तां भाई परागा जी गुरु साहब दे चरणा विच हाजर होए ते अपनी सेवा अर्पण कीती। गुरु साहब ने इन्हां नूं इक दस्ते दा जथेदार नियत कीता। गुरु हरगोबिंद साहब जी दे समें विच मुगलां नाल दूजी लड़ाई विच भाई परागा ने जो जौहर विखाए उन्हां सदका इतिहास विच उन्हां दा नाम सदा चमकदा रहेगा। भाई मती दास जी अपने पिता दी तरह गुरु घर दे प्रेमी सन। जदों गुरु तेग बहादुर जी ने गुरगद्दी संभाली तां उस वेले भाई साहब भी दर्शनां नूं आए। दर्शन करके उन्हां दे जीवन विच इहो जिहा पलटा आया कि गुरु चरणा विच ही अपना जीवन बतीत करन दी धार लई। काफ़ी समा गुरु घर नेड़े रहन करके आप जी नूं गुरु साहब ने दीवान दी उपाधि बख्शी ते वड्डी जिम्मेवारी सौंपी। भाई साहब जी गुरु जी दे नाल पूर्वी प्रचारक दौरे ते बिहार, बंगाल ते असाम गए सन। भाई मती दास जी उन्हां गुरसिखां विचों इक सन जो गुरु तेग बहादुर साहब नाल दिल्ली मुगल हकूमत ते उन्हां दे सरप्रस्त काजियां नाल धार्मिक आज़ादी की रक्षा बारे गलबात करन गए सन। ये निर्णय होया सी कि भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाला जी गुरु साहब दे नाल ही रहन। मुगल हकूमत दे दरबारियां ने सब तो पहला इन्हां तिन्हां गुरसिखां नूं शहीद करन दा फैसला कीता क्योंकि उन्हां दा विश्वास सी कि भयानक किस्म दी मौत वेख के ये गुरसिख ते गुरु साहब घबरा जाणगे ते ईन मन लैणगे। शहर विच उन्हां नूं सरकार वल्लों दित्ती जाण वाली सज़ा बारे ढिंडोरा पिटवाया गया ते भारी गिणती विच लोक इकट्ठे हो गए। कोतवाली दे अगों एक कच्चा राह शहर वल जांदा सी, उस दे अगे खुला मैदान सी। भाई मती दास जी नूं कोतवाली चों बाहर कढ़िया गया ते उस मैदान विच ले जाया गया जिथे जल्लाद आरा ते शिकंजा लैके खड़े सन। भाई साहब नूं काजी ने एक बार फिर सरकार वल्लों पेशकश कीती, दुनियावी सुखां ते होर तरह दे लालच दित्ते, पर भाई साहब ने कुछ भी प्रवान ना कीता। अंत विच ये भी जतन किया गया कि वह गुरु साहब का साथ छड़ देन, पर भाई साहब ये गल किवें प्रवान कर सकते सन। भाई साहब ने कहा, गुरु साहब नूं छड़ के मैं जिंदा नहीं रह सकता, एक दिन तो मरना ही है, क्यों ना सिखी निभा के मरा। उस समय के रिवाज अनुसार मरण वाले तो उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी जाती सी ते जे वह मनण योग हुंदी तां पूरी कीती जाती सी। भाई साहब नूं जद पुछया गया तां उन्हां ने कहा कि मेरे सीस ते आरा रखण समय मेरा मूँह गुरु साहब दे पिंजरे वल कर दिता जावे, मैं अपने अंतले समय अपने माही प्रीतम दे दर्शन कर सकां, बस यही मेरी अभिलाषा है। इसे तरह कीता गया ते भाई साहब दा मूँह उधर करके आरा सीस ते रख दिता गया। हजारां दी गिणती विच इकट्ठे होए लोग ये देख के दंग रह गए कि भाई साहब नूं जरा भी घबराहट नहीं सी, सगों चेहरे ते होर भी जलाल आ गया सी। आरा अगे तो पिछे ते पिछे तो अगे चलन लग पिया। खून दियां धारां दूर दूर तक वगण लग पईआं, खून दे परनाले छुट्टन लग पए, पर शरीर बिल्कुल अडोल रहा। समाधि नूं आरे दा चीर भंग ना कर सकिया।
ਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਬੈਠਾ। ਸਰੀਰ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਗਿਆ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਕਾ ਨਵੰਬਰ ਸੰਨ 1675 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਨਣ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਸੇ ਭਿਆਨਕ ਸਾਖੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦਾ ਰਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।